नमस्कार। आज जनसरोकार मंच टोंक के साहित्यिक साक्षात्कार कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर अरुण सीतांश। और डॉक्टर अरुण सीतांश का नाम वर्तमान हिंदी कविता लेखन में बहुत सुपरिचित है। इनकी कविताएं अपनी भाव भंगिमा में और अपनी अनुभूतियों में सामाजिक जीवन के वर्तमान प्रसंगों से रूबरू होती हुई हमें निरंतर विचार विमर्श की एक दुनिया में आमंत्रित करती रही हैं। और आज डॉक्टर अरुण सीतांश जी से हमें बातचीत करने का मौका मिला है। यह मेरे अलावा जनसरोकार मंच टोंक के समस्त श्रोताओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर अरुण सीतांश साहब, आपका हार्दिक स्वागत है इस कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्ते अरुण जी, आप सबसे पहले आप हम लोगों को अपने बारे में बताएं, अपनी साहित्यिक अभिरुचियों के बारे में। कविता लेखन के अलावा आप समीक्षा लेखन से भी जुड़े रहे हैं, इसके अलावा आपने देशज पत्रिका का भी संपादन किया है जो हिंदी की एक चर्चित पत्रिका है। तो साहित्य को आपने जिस तरह से अपने जीवन में अब तक जिया है और जिस तरह से आप निरंतर साहित्य के लिए समर्पित रहे हैं, इन सब के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम जनसरोकार मंच के संयोजक देवेंद्र जोशी को धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि वे मुझे याद किए, और आपका भी शुक्रगुजार हूं कि आप मुझ जैसे लेखक को आपने सामने प्रस्तुत किया है। राजीव जी, मेरा जीवन बहुत अनगढ़ रहा है और हमारा इलाका मगही इलाका रहा है। पहले गया जिला हुआ करता था, अब अरवल जिला हो गया है। हम अपने जीवन काल में अब तक सेवा के दृष्टि से गांव से गांव की यात्रा हमने की है। ऐसे प्रोग्राम में हर जगह जाते रहे हम, बुलावे पर कॉलेज, महाविद्यालय, यूनिवर्सिटी में, सेमिनार में, लेकिन शैक्षणिक रूप से या पिताजी की जो सर्विस रही उसमें गांव से गांव की ही यात्रा करता रहा। बात उन दिनों की है जब हम लोग इंटर पास करके और आरा जैसे शहर में उपस्थित हुए थे। वहां एक साहित्यिक माहौल था। आरा आप किस प्रयोजन से आए थे? आरा शहर में जो आपका आगमन हुआ अरवल से, वह किस किन प्रयोजनों से वो जुड़ा हुआ आगमन था? ये प्रयोजन था कि मेरे पिताजी मगध क्षेत्र से दलीपुर हाई स्कूल में शिक्षक थे, उसके बाद उनका ट्रांसफर बक्सर हुआ, बक्सर से आरा हुआ, तो पिताजी के साथ मैं रहता था और वहां पर हमने मकान बनाया आरा में। और आरा में उस समय मकान नहीं बना था, अभी तो पढ़ाई चल रही थी जैन कॉलेज में, फिर पटना यूनिवर्सिटी में, तो वहां आरा में रहना हुआ। तो आरा में एक साहित्यिक माहौल मिला। मेरे घर में कोई साहित्यिक माहौल नहीं, बिल्कुल धार्मिक क्रमकांड से ओत प्रोत मेरा घर है और उन सबसे बिल्कुल हटकर समकालीन कविता के बारे में बद्री नारायण, जिनको अभी साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला, उन्हीं के साथ में रहता था। इलाहाबाद से आते थे, उनके माँ पिता जी लोग रहते थे, नीले उपाध्याय जी रहते थे, कई लोग, जगदीश नलीन अभी हैं वो, कई लोग हमारे साहित्यिक योगदान में एक अंशदान दिया और लेखन कार्य शुरू हुआ। नहीं तो हम तो अकेडमिक तौर पर महादेवी, निराला पंत, प्रसाद जी को ही
पढ़ते रहे, अभी रामचरितमानस, रामायण वगैरह वगैरह सब। लेकिन समकालीन कविता क्या है उसकी समझ आरा ने पैदा की। उस आरा ने, जिसकी धरती क्रांतिकारी की धरती रही है, वीरों की भूमि है, वीर कुंवर सिंह की, और उस समय दरभंगा महाराज का एक अखबार निकला करता था आर्यावर्त, आपको सर मालूम होगा। जी बिल्कुल, स्टेशन पटना रोड, उस दौर में तो आर्यावर्त ही अखबार हुआ करता था हम लोगों का बिहार में, कॉर्पोरेट सेक्टर के अखबार से बाद में आए। उसी में सबसे पहले मेरी रचना छपी। मार्कंडे प्रवासी साहित्यिक संपादक थे उन्होंने ही, मार्कंडे प्रवासी ने एक चांद की चोरी नाम की कविता प्रकाशित की। ये बात 1988-89 के आसपास की है, और उस कागज के टुकड़े पर छोटी सी कविता न जाने हजारों लोगों को मैं दिखाया और सुनाया। तो इस तरह से पढ़ाई भी थी और ये सारा काम चल रहा था लेखन कार्य का, लेकिन स्लो चल रहा था। बाद में ऐसा हुआ कि अनंत कुमार सिंह की पत्रिका की जनपद थी, उसके दृष्टिकोण एक मंच हुआ कर रहा था, वहां कविता पाठ करने का मौका मिला। रेडियो स्टेशन में पटना जाता रहा, फिर लगातार पत्रिकाओं में, ऐसी देश की कोई पत्रिका नहीं है एक दो छोड़कर जहां मैं नहीं छपा, तमाम साहित्यिक राजनीतिक पत्रिकाओं में, कई कॉलम दैनिक जागरण में चले हमारे। इस तरह से लेखन कार्य चलता रहा। इस बीच एक आरा में मिथिलेश्वर जी कथाकार जी। एक पत्रिका थी मित्र, उसमें मैं संपादन सहयोग में जुड़ा। तो संपादन सहयोग में जुड़ने के बाद में वो बहुत मनमानीपन ढंग से रचनाओं को लेने लगे, तो हमने छोड़ने का निर्णय लिया। हमने कहा कि नहीं, ये ठीक नहीं, मैं अपनी पत्रिका खुद निकालूंगा। तब मैंने देशज नाम की पत्रिका की शुरुआत की। सुरनाम के डॉक्टर जित नारायण जी ने, वहां की टीम आई थी सुरनाम स्कॉटलैंड का, मैंने प्रोग्राम करवाया था वहां से, भोजपुरी साहित्यकार लोग आए थे, बद्री नारायण का जो संस्थान है, सामाजिक शोध संस्थान झूसी, गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक शोध संस्थान झूसी, और देशज पत्रिका ने मिलकर प्रोग्राम कराया था नागरिक प्रचारणी सभा में। वहीं उसका लोकार्पण हुआ पहला अंक का, डॉक्टर जित नारायण ने किया, बड़े डॉक्टर बड़े साहित्यकार। तो उसके बाद लगातार देशज के 10 अंक आए, कुमार नयन पर केंद्रित वो अंक रहा अंतिम 10वां। अभी जो अंक आ रहा है उसकी तैयारी हो चुकी है, एक अरुण कमल का इंटरव्यू आना बाकी रह गया है, करीब करीब तमाम लेख आ चुके हैं, और वह अंक किसान केंद्रित अंक आपके सामने प्रस्तुत होगा। अभी प्रेस में गया नहीं है, प्रेस में जाने वाला है। तो देशज के 11 अंक, मतलब 11वां अंक आने वाला है, और फिर धीरे धीरे कुछ कविताएं हो गई। तो वाणी प्रकाशन एक नई दिल्ली में है, उसने सबसे पहले कविता की पुस्तक छापी जिसे काफी लोकप्रियता मिली। उसके बाद लगातार आपके इस संग्रह का क्या नाम है अरुण सीतान साहब, जो संग्रह वाणी प्रकाशन से प्रकाशित हुआ है, उसके बारे में बताएं, उसका शीर्षक क्या है? उसका शीर्षक है एक ऐसी दुनिया की तलाश में, वो ये किताब है। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर लग रहा है आपके संग्रह को देखकर। और अरुण सीतांश जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, बहुत ये व्यक्तिगत किस्म का प्रश्न ही है, लेकिन कुछ इसमें साहित्य से कि में जो बदलाव आते रहते हैं अलग अलग कालों में, जो परिवेश बदलता रहता है लेखन का, उससे जुड़ा हुआ ये प्रश्न है कि जिस वक्त आप कह रहे हैं कि आज की जो कविता है उससे हमारा परिचय हुआ, और वो समय था 88-89, 1988-1989 ईस्वी के आसपास का समय, जब आप आरा में आने के बाद बहुत सारे नए कवियों से, लेखकों से आप मिले, और आपने भी नए ढंग से कविताएं लिखनी शुरू की,
और जो इसको कहते हैं पारंपरिकता, पारंपरिक रूप से जो साहित्य बोध था आपका, वह जब एक आधुनिक भावबोध में, वर्तमान भावबोध में जब वो परिणत हुआ, बदला, तो उस दौर के साहित्यिक परिवेश में और आज के साहित्यिक परिवेश में आप क्या फर्क महसूस कर रहे हैं? ऐसा बताया जा रहा है कि साहित्यिक माहौल भी बहुत ज्यादा इस बीच बदल गया है, और उस समय की जो गर्माहट थी अरुण कमल और राजेश जोशी और मंगलेश डबराल वगैरह के बाद के दौर में, जिससे आप लोगों ने प्रेरणा ग्रहण की, ऊर्जा हासिल की और लेखन में प्रवृत्त हुए, तो इन सब सारी चीजों में क्या बदलाव आप महसूस कर रहे हैं? देखिए 1947 के बाद यानी आजादी मिलने के बाद जितने भी कवि हुए, दिनकर से लेकर तमाम जितने भी कवियों का आप नाम लीजिए, उसके अनुसार से उन्होंने रचनाएं रची। जो जिस परिवेश में रहता है, जिसका राजनीतिक चेतना है, उस परिप्रेक्ष्य में वो रचना को कहानी के माध्यम से, उपन्यास के माध्यम से, कविता के माध्यम से वो लिखता रहा है। हम जब आरा में आए थे, उस समय आरा की धरती लहूलुहान थी, उसके इलाके बहुत गर्म हुआ करता था राजनीतिक रूप से और सामाजिक रूप से। बाद में धीरे धीरे शांत हुआ, उस पर विस्तार में मैं नहीं जा सकता हूं, पूरा समय खत्म हो जाएगा। तो लोग लिखते रहे। आरा में चंद्रभूषण तिवारी ने वाम पत्रिका शुरू की, उसके 3 अंक निकले, उसके बाद जनपद तो चल ही रहा था। आप जिन कवियों का नाम लिए, वे आज भी लिख रहे हैं उसी तेवर के साथ। मंगलेश डबराल की मृत्यु हो गई पिछले दिनों, राजेश जोशी आज भी लिखते हैं, पहले भी लिखते थे। स्थिति के, राजनीतिक स्थिति के अनुसार, सामाजिक स्थिति के अनुसार रचनाएं बदल जाती हैं। 90 दशक के कवि जो लिख रहे थे फूलपत्ती चिड़ियों पर, उनका भी परिवेश बदल गया और रचनाएं बदल गई। वो एक दूसरे जगह से माइग्रेट किए, स्थानांतरित हुए। जैसे मान लीजिए कि आप दरभंगा में, पता नहीं आप कहाँ पे हैं, तो वहां का जीवन और अभी आप जहां होंगे वहां का जीवन आपकी रचनाओं में स्पॉन्टेनियस आ जाएगा। वहां की राजनीतिक चेतना और यहाँ की राजनीतिक चेतना, केंद्र की राजनीतिक चेतना तो आपके दिमाग में बनी रहेगी, लेकिन स्टेट में जो जिले की जो राजनीतिक चेतना है उसका भी एक रूपरेखा बनता है। जब तक आप जमीन से नहीं जुड़ सकते, तब तक आप आसमान में नहीं उड़ सकते। जमीन का आदमी होना, धरती पर पांव रखना, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप जमीन से जुड़े हुए हैं तो एक अच्छे लेखक हो सकते हैं। अगर राजेश जोशी, अरुण कमल की कविताओं में आप देखिए कि जीवन की कविता है, मंगलेश डबराल की भी, उन्होंने संबंधों पर, रिश्तों पर लिखा है कविताएं जी। वो लिखते हैं पहला ही संग्रह पहाड़ पर लालटेन, पहला संग्रह। अरुण कमल की कविता बड़ी मशहूर है, अपना क्या है जीवन में सब कुछ लिया उधार, सारा लोहा उन लोगों का अपनी केवल धार, अपनी केवल धार, अपनी केवल धार, उन पर वो उनके काव्य संग्रह का भी नाम है ये, उनका काव्य संग्रह भी आया है शीर्षक जी। राजेश जोशी की जो कविता है वो मारे जाएंगे, जो अपराधी नहीं होंगे वो मारे जाएंगे, उस नाम से है। हर कवि की अपनी एक प्रतिनिधि कविता स्वतः समाज बना देता है। आप हम नहीं बनाते हैं, वो खुद बनाता है। जिसकी रचना में कोई प्रतिनिधित्व तो नहीं होती, होती तो है लेकिन दृष्टिगोचर नहीं होता, उसकी चर्चाएं नहीं होती, तो वो रचना दबी भी रहती है, पकती रहती है, अचानक निकल आती है और सभी की जुबानों पर चढ़ जाती है। जैसे दिनकर के एक वाक्य है, खाली करो कि वह जनता आती है। ऐसे ऐसे वाक्य, एक एक वाक्य, सिर्फ ये वाक्य का नाम ले लिया जाएगा तो उसकी पहचान बन जाए कि इस कवि ने कहा था इस वाक्य को। मैं नीर भरी दूध की बदली, तो हम निराला का नाम नहीं ले सकते हैं, जब लेंगे तो महादेवी का लेंगे। वह तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के पथ पर,
तो निराला का नाम लेंगे। तो अंतर हमेशा एक सामाजिक परिवेश के अनुसार, राजनीतिक चेतना के अनुसार बदल जाता है। आपको राजीव सर मालूम होगा कि एक साथ तीन चार पीढ़ियां काम कर रही हैं, लेकिन फिलहाल सातवें दशक में विनोद कुमार शुक्ल और अशोक वाजपेयी और जितने भी लोग हैं, उसके बाद विष्णु नागर वगैरह वगैरह, फिर आठवें दशक अरुण कुमार अजय जोशी मंगलेश डबराल तभी नहीं है, फिर नवे दशक में आप अच्छा उधर हैं वो नरेंद्र जैन हैं आठवें दशक वाले, फिर नवे दशक में आप आइए ये बद्रीनारायण निलय उपाध्याय, कुमार अंबुज, देवी प्रसाद मिश्र वगैरह कई लोग हैं, उसमें नाम बहुत कुछ छूट रहा है, नहीं लेने पर भी दिक्कत है। डॉक्टर अरुण सीतांश साहब, आपने हमें बात पूरी कर लेने दीजिए। 21वीं सदी के पहले दशक में हमारी पीढ़ी आई, भरत प्रसाद, अरुण सीतांश, अरुण देव और अशोक पांडे, कई नाम क्या बोलते हैं, महेश पुनेठा, बहादुर पटेल, महेश वर्मा, तमाम सारे लोग ये लोग आए हुए हैं, फिर सदी के अंत के कभी लोग आ गए। तो ये अंतर हुआ है जो आपके प्रश्न का उत्तर है। हाँ बोलिए। आपने बहुत ही विस्तार से अभी बताया कि कैसे जो हमारी हमारा हमारी कविता की जो लेखन की जो परंपरा है वो बिल्कुल एक नए तेवर के साथ पिछले दौर के कई कालों में वो उभरती हुई दिखाई देती है, और आपने भी उसी दौर में कविता लेखन को शुरू किया और आप मूलतः प्रगतिशील लेखक के रूप में, प्रगतिशील कवि के रूप में आप जाने जाते हैं, और हम जानना चाहते हैं कि प्रगतिशील काव्यधारा जो है और उस काव्यधारा को लेकर के जो हमारे साहित्यकार, हमारे कवि लोग समाज में चल रहे थे, लिख रहे थे, तो आज प्रगतिशील प्रवृत्तियों की पहचान साहित्य में आप किस रूप में करते हैं, क्या उसमें भी कोई बदलाव देख रहे हैं? ऐसा कहा जा रहा है कि प्रगतिशील आंदोलन का भी सिमटता जा रहा है और लेखन में को लेकर के जो प्रतिबद्धताएं थी साहित्य में पहले की, नागार्जुन और त्रिलोचन और मुक्तिबोध के दौर की प्रतिबद्धताएं थी जिनसे हम लोग निरंतर एक प्रेरणा, एक संकल्प प्राप्त कर रहे थे, उसमें काफी बदलाव आ चुका है, एक बिल्कुल नया माहौल है। तो इस माहौल की जो रचनात्मक जमीन है उसका आकलन आप किस रूप में करना चाहेंगे? चुनौतियां तो वही हैं, कविता अपने मानवीय भावबोध में निरंतर समय और समाज की सच्चाइयों से भी संघर्ष करती हुई ही सामने आएगी, एक रचनाकार के रूप में इस संकट को या इसके संदर्भ को आप अगर रेखांकित करना चाहें, कहना चाहें तो बहुत खुशी होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका ये प्रश्न, मैं चाहता था कि आप इस बात को पूछिए, कई लोग पूछते हैं, इसी मंच से कई लोगों ने पूछा भी। आप अगर लेखक हैं तो वो लेखन जो आपका है वो सठ नहीं है, हट नहीं है, वो रुका हुआ नहीं है, बहता हुआ पानी है। जैसे बोलते हैं ना कि तालाब में पानी जम जाने पर खराब हो जाता है, नदी का पानी कितना भी गंदा हो अगर बहता रहे तो साफ होता है, कंजल हो जाता है। निरंतर बहना जरूरी है, निरंतर लिखना जरूरी है। जो लिखते हैं वो समाज के लिए लिखते हैं, समाज से लेते हैं, समाज को वापस कर देते हैं। तो प्रसिद्धता नाम की जो बात है, शब्द है, जो लिख रहे हो प्रसिद्ध है, रह गई चेतना की बात, उसकी पुटता, उसकी जीण में, उसके कविता के अंतःकरण में, उसमें क्या है, इसको देखना जरूरी है। कविता में क्या होती है, प्रसिद्ध साहित्य हो, जनवादी साहित्य हो या धार्मिक साहित्य हो, कोई भी रचना में तीन चीज पाई जाती है, खासकर कविता पर हम बात कर रहे हैं, कविता को लेकर के। एक होता है फॉर्म, ढांचा, एक होता है व्यू, दृष्टि, और एक होता है स्ट्रक्चर, बनावट। स्ट्रक्चर, व्यू और दृष्टि, अगर ये तीन चीज कविता में नहीं है तो वो कुछ नहीं है, कूड़ा है, राख है,
उसको सुव्यवस्थित करने के लिए काम करना पड़ता है। हर समय में पढ़े लिखे लोग ही कविता पढ़ते रहे हैं, चाहे थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हो चाहे ज्यादा पढ़े लिखे हो। अभी तक आप देखिए आजादी के बाद खास करके देवकी नंदन खत्री का शांता संत चंद्रकांता संतति की बात ही आप देखिए, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं पढ़े लिखे नहीं तब तक कैसे देंगे, कैसे मूल्यांकन करेंगे कि जनवादी है प्रसिद्ध है या ये धार्मिक है अधार्मिक है नास्तिक है आस्तिक है, क्या है दर्शन है क्या है अध्यात्म है क्या है, उसे देखने की एक दृष्टि चाहिए, व्यू चाहिए। कविता में व्यू, आपने त्रिलोचन का नाम लिया, त्रिलोचन ने सोनेट लिखा, आज तो कुछ सोनेट नहीं लिखता, गीत लिखने वाले कितने लोग हैं, कविता में व्यंग लिखने वाले एकमात्र कवि एक दो कवि बचे हुए हैं। एक कवि का मैं नाम लेता हूं, अभी संगत 15 में आप देख सकते हैं उनको, विष्णु नागर जी ने बहुत प्रयोग किया है, उन्होंने व्यंग किताब भी लिखी है अलग से, विष्णु नागर ने जी। वो धारा जो है आप जो लिखते हो प्रसिद्ध है, हम कैसे मान लेते हैं कि वो प्रसिद्ध नहीं है, जो चीज चरेवती 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 है चल रहा है तो वो प्रसिद्ध नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे इसको, सच नहीं, उसमें तो बदलाव आएगा, उसमें तो बदलाव निरंतर आता रहेगा। तो हर साहित्य को कहने की दृष्टि से जैसे मैंने पहले बताया कि स्ट्रक्चर उसकी संरचना क्या है, फॉर्म उसकी ढांचा क्या है, दृष्टि क्या है, उसकी व्यू क्या है, हर कविता में आप जो लिखते हैं उसमें भी है, हम जो लिखते हैं उसमें भी है, अगर नहीं है तो रचना नहीं है, फिर आप लिखना छोड़ दीजिए, हम लिखना छोड़ दें, कोई भी लिखना छोड़ दे, हर चीज का एक बैलेंस्ड होता है, हर चीज का एक ग्रामर है, जैसे आप बोल रहे हैं उसका एक ग्रामर है, मैं बोल रहा हूँ उसका एक व्याकरण है, जो लिख रहे हैं उसका भी एक व्याकरण है। मैं तो हिंदी का आदमी नहीं हूं, आप शायद मेरा परिचय देखे होंगे जी, मेरा सब्जेक्ट जियोग्राफी है, मैंने उसमें शोध किया है वो जी, मैं बहुत अशुद्ध लिखा करता हूँ, मैं सीखता हूँ आज भी पढ़ करके, हिंदी बहुत क्लिष्ट चीज है, हिंदी साहित्य को पढ़ना ज्यादा से ज्यादा जरूरी है। आज के लड़के से आप पूछिए प्रेमचंद कौन थे, तो प्रेमचंद शब्द का इस्तेमाल नहीं करेगा, प्रेमचंद्र कहता है, बिल्कुल सुमित्रानंदन पंत का नहीं, अज्ञे का नाम पूरा पूछिए उससे तो नहीं बताएगा, एमए के विद्यार्थी नहीं बताएंगे, अपने अपने पाठ्यक्रम वगैरह में जिन रचनाकारों को पढ़ते हैं 10वीं तक या फिर हिंदी के छात्र हैं वो तो खैर ज्यादा जानते हैं, उनका विषय ही होता है साहित्य, समाज से साहित्य की जो एक दूरी बन रही है, साहित्यिक एक खेमा जो है, साहित्यिक लोगों का एक वर्ग जो है एक अलग वर्ग बन गए, आप संकेत करना चाह रहे हैं कि हमारे साहित्य समाज की भी साहित्य से एक दूरी बनती जा रही है, और इसी क्रम में आपने पत्रिका को भी आपने प्रकाशित किया है, और राजीव सर इसलिए बन रही है कि पिछले दिन हमने कलकत्ता विश्वविद्यालय में छायावाद पर मुझे बुलाया गया था, कोरोना के पहले मैं गया था एक लेक्चर देने के लिए, वहां से आया तो शंकराचार्य विश्वविद्यालय कलाड़ी में के एमए में और मेरी कविता लगी स्नातकोत्तर विभाग में, एमए में पढ़ाई जाती है, वहां से आने के बाद में कहीं बातचीत चल रही थी उसमें तो कुछ हिंदी के लोग थे उसमें, तो हमने कहा कि भाई आप हिंदी के प्रोफेसर हैं, मैं नाम नहीं लूंगा जगह का और वो उस उन लोगों का उसमें ठीक नहीं होगा नाम लेना, कि आप लोगों को इकोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, इकोलॉजी पर्यावरण एनवायरमेंट, तब हिंदी साहित्य आप पढ़िएगा, जब तक पर्यावरण नहीं पढ़िएगा इकोलॉजी तब तक आप हिंदी साहित्य कैसे पढ़ाएगा, चूंकि उस पूरे सिलेबस में
हिंदी साहित्य के एक अध्याय जो है उसमें अरुण कुमार, आलोक धनवा, मंगलेश डबराल, मेरा, सब लोग की रचना लगी है पर्यावरण को लेकर। तो जब तक आप पर्यावरण को अपने ही पढ़िएगा तब तक हिंदी साहित्य कैसे पढ़ाइएगा? क्योंकि साउथ इंडिया में एकदम करेंट टॉपिक डाले जाते हैं और करेंट टॉपिक से जो रचना है उसको सिलेबस में लगाया जाता है। सिर्फ तुलसीदास और रैदास, कबीरदास और जो भी हैं दास, विद्यापति, विद्यापति को तो लोग भूल गए हैं, वही सिर्फ नहीं पढ़ाया जाता। आज के रिसेंट कवियों के बारे में पढ़ाया जाता है। बिहार में मैं हूँ, मेरी कहीं रचना नहीं लगी यूनिवर्सिटी में, वहां लगी है दक्षिण भारत के विश्वविद्यालय में। आप बताइए कि विद्यापति को, ये छोड़ दीजिए यहाँ की बात, उनको पता नहीं है विद्यापति कि वो दरभंगा मैथिलियों का कवि थे कि पूरे भारतवर्ष के कवि थे, सारे संसार के कवि हैं वो। विद्यापति तो सारे संसार के कवि हैं। प्रेम और माधुर्य के जिन भावों का प्रतिपादन किया है उन्होंने अपने काव्य में, वो उनको संसार का सबसे प्रसिद्ध कवि बनाता है, सबसे मधुर कवि बनाता है। तो जब वो गंगा स्तुति लिखते हैं, छोड़े ते निकट नयन बहु नीरे, लिखा है ना, नदी के प्रति प्रेम का भाव है उसमें। तो गंगा जो है वो सिर्फ बिहार की नदी है, पूरे भारत की नदी है। तो विद्यापति के बिहार के ही कवि नहीं है विद्यापति, और गंगा नदी केवल बिहार की नहीं है, पूरे भारतवर्ष की है, विश्व की है। उसी तरह से कोई रचनाकार रचना रचता है तो वो पूरे विश्व का हो जाता है, तभी तो हम बोलते हैं वसुधैव कुटुंबकम। तो विद्यापति विश्व के कवि है। आप आज के लड़कों से पूछिए, ये दूरी की बात चल रही है तब मैं कह रहा हूं, तो ये दोनों में चेतना के स्तर पर डिफरेंस आया है सर। बिल्कुल। और इसी प्रसंग में जो हम लोगों के साहित्य में जो स्थानीय मतलब स्तर की जो के जो मुद्दे आज उभर कर सामने आ रहे हैं, और इसी के साथ साहित्य की जो मूल भावभूमि है और उसकी जो वैश्विक चेतना है, तो इसके बीच अक्सर हम लोग सामंजस्य की चर्चाओं में भी संलग्न होते हुए दिखाई देते हैं। और इसी के साथ हिंदी साहित्य में भी बहुत सारे नए बदलाव दिखाई दे रहे हैं, नारी कविता लेखन की धारा और दलित काव्य लेखन की धारा, और इनका स्वागत मतलब हो रहा है। बिल्कुल एक नई चेतना जो है वो उभरती हुई सामने आ रही है। संवेदनाओं अनुभूतियों का दायरा बहुत विस्तृत भी हुआ है हिंदी में। लेकिन इसी के साथ अब ये भी कहा जा रहा है कि अलग अलग खेमों में, धारों में साहित्य जो है वो विभाजित भी हो रहा है। तो ये सब भी हमारे आज के साहित्यिक विमर्श में क्या आगे अपनी अपनी अपना रूप ग्रहण करते हैं, इसके बारे में सोचना हम लोगों की एक प्राथमिकता का विषय बनना चाहिए। और सीतान साहब, हम लोग आपकी कविता भी सुनना चाहेंगे, हम लोग आपकी कविताएं भी सुनना पसंद करेंगे। राजीव जी, उससे कोई दिक्कत नहीं है विभाजन से, क्योंकि उसका भी काम साहित्य का है, हमारा भी काम साहित्य का है। दलित साहित्य, स्त्री साहित्य, स्त्री लेखन, दलित लेखन और आदिवासी साहित्य, आदिवासी साहित्य है, सारा जितना भी आया हुआ है, ये अच्छा चीज है, इसमें लिखना चाहिए। सब जगह हम ही लोग नहीं लिखेंगे, आप ही नहीं लिखेंगे, वहाँ के लोग भी पढ़े लिखे, कोई नई चीज नहीं है। महिलाओं ने पहले भी लेखन किया है, दलितों ने भी, आपने रैदास की चर्चा की, मध्यकाल में पूरी निर्गुण धारा जो है वो दलित कवियों का वो साहित्य है, काव्य लेखन है वो। तो हिंदी में एक नया, एक नई चेतना फिर उभर रही है और इसकी परंपरा जो है वो नए रूप में विकसित होती हुई, प्रभावान होती हुई दिखाई दे रही है। तो बहुत एक अच्छा रचनात्मक परिवेश हिंदी का कायम हुआ है, और इसी परिवेश में आप अपनी पत्रिका देशज को लेकर के भी सामने आए हैं, और देशज पत्रिका जो है वो अपने तेवर में, अपने सामग्री संयोजन में एक अलग पहचान को कायम कर रही है। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं, और आपसे हम लोग आपकी कविताएं भी सुनना चाहते हैं। आप अपनी कुछ कविताएं हम लोगों को सुनाएं। आपके बिंब जो हैं बिल्कुल अनूठे हैं, मौलिक हैं, और उनके माध्यम से निरंतर आप वर्तमान समय और समाज का जो यथार्थ है उसके संधान में प्रवृत्त प्रतीत होते हैं।
और नए ढंग से समय की मीमांसा आपने की है, जो बहुत ही एक बहु गर्भी मीमांसा है, बहु अर्थ गर्भित मीमांसा है वो। आपका स्वागत है सीतान साहब, आप कुछ अपनी सुंदर कविताएं सुनाएं और आज के साक्षात्कार कार्यक्रम को आप एक नया रंग प्रदान करें, अनुभूतियों और संवेदनाओं के बीच हम सबको लाएं, ताकि हम लोग आपके कविता को सुनकर आनंद प्राप्त करें। एक कविता है पेड़ के गिर जाने पर। आसमान को पोतना चाहता हूं, आसमान को पोतना चाहता हूं गुलाबी रंग से, वृक्षों को नहीं, आसमान को पोतना चाहता हूं गुलाबी रंग से। धरती तो पावन है इसलिए जल को पान कर रहा हूं, मिट्टी को सिंदूर बनाकर लपेट देना चाहता हूं माथे पर, दूधिया रंग वाली ज्योति को। उसको ताप चाहिए मेरे हाथ से, थप थप चांद पर हथेली की धमक से, बालू के कण जा बैठते हैं आंखों की कोर में, रुई के फाहे से मुंह का भाप लगा निकाल लेता हूं हौले से, क्षितिज पर एक चुंबन की जरूरत है उसे। दादी बोलती है छोड़ दो उसे, दो शब्द देकर, जीवन में बहुत काम है उसे। रुकता हूँ पास चला जाता हूँ, रुकता हूँ पास चला जाता हूँ, सागर का रंग खींच कर कंठ पर साट देना चाहता हूँ और नारियल पानी उड़ेल देना चाहता हूँ। खरगोश की पीठ की तरह सहलाकर उसके मुंह पर फूंक मारता हूँ, हंसती हुई गले मिलती है तपाक से। जब से गई हो तब से घास पर टहलते हुए कांटों में उलझ जाता हूं। ऐसा क्या करूं कि वो असम से आकर राज्यसभा में ना जाए और मेरी पूजा से लग जाए। आखिर बगान का केला और अमरूद, गुलाब और चमेली का क्या करूं। तुम आओ एक दिन, एक रात, एक दोपहर, एक शाम, जब दुनिया से वायरस खत्म हो जाए, वो पूरी आंखों वाले, जब दुनिया से वायरस खत्म हो जाए, पलकों पर शीत का अंश है, शीतांश लिख दी है प्रकृति ने, यहाँ रेत पर पांव के चिन्ह नहीं है जो धो ले जाए समंदर किसी पल। बिल्कुल, बहुत बहुत सुंदर कविता, बेहद सुंदर कविता आपने सीतांश जी हम लोगों को सुनाई है। प्रेम जो है वो हमारी कविता का, वो व्यक्ति का वो मूलभूत धरातल है, और कवि निरंतर प्रेम को ढूंढता हुआ दिखाई देता है और प्रेम को रचता भी है वो अपनी अपनी कविताओं को लिखते हुए। और आपने प्रेम के इस संकट को और अपने मन के आक्रोश को, आज के पूरे माहौल को जिस तरह से आपका कवि मन प्रकट करता है इस कविता में, और जिस अंदाज में आप कविता लिखते हैं, तो वहां पर बिल्कुल एक नई जीवन धर्मिता का भाव भी कविता में प्रकट होता है, और यही आपकी सबसे बड़ी पहचान है आज के दौर में, जो आपको कविता में प्रतिष्ठित करती है। और हम लोग बहुत संभावनाओं से भी भर जाते हैं आपकी कविताओं को पढ़ कर करके, और मैं चाहता हूं कि आप अपनी दूसरी कविता भी हमें सुनाएं। हम चाहते हैं कि आप और कविताएं। दादी की दौरी, जो डलिया होती है टोकरी, दादी की दौरी नाम से कविता है जी। तुम थी तो एक छोटी सी खुशी थी, तुम थी तो एक छोटी सी खुशी थी, तुम गई दुख रहा पृथ्वी पर, कटहल का पेड़, आम का बगीचा, गुलाब का बगान, घर घर दाना बांटने वाली दौरी में दर्द रहा। दौरी थी तो लाल कनेर सा फूल था, सोहर था, मंगल गीत थे, दौरी का रंग लाल था, हरा था, कथई था और रंग था तो जीवन था। सच्ची तो था कि तुम दुख को सुख कहती, सुख को ईश्वर की कृपा, प्यार करती रंभाती कुटे की गाय को, मेरा माथा चूमती हाथ रखती छाती पर, जी भरा था। तुम नहीं तो कुछ भी नहीं। लेकिन यह कैसा संयोग है, तुम्हारे नहीं होने के बाद भी है तुम्हारी दौरी, बसंत और फूलों के तमाम रंगों से रंगी और अन्न के दानों से भरी।
और अन्न के दानों से भरे। एक कविता और सुना रहा हूं आपको, संबंधों को लेकर। नानी वाली नहर। हर सुबह हर मौसम में भजन गाती नानी, नहा आती थी नहर में। हर सुबह हर मौसम में भजन गाती नानी, नहा आती थी नहर में। माथे पर पल्लू डाले उम्र के आखिरी छोर पर भी घूंघट निकाल लेती और ख्याल रखती कि आ न जाए पैर के नीचे चीटी और केचुआ भी। नानी सपने में भी नहीं सोचती किसी के गांव में किसी के हत्या की बात। नहर का पानी छूती तो प्रणाम करती थी सूर्य को, निकलती तो धरती के पांव छूती कि हरी भरी रहे उसकी को। धान की बालियों की तरह गाती गीत, लेकिन किसी नहर पर जब मारे गए नाना, नानी को पानी छूते डर लगता था। अब नानी को लगता कि पृथ्वी हिलेगी, उखड़कर गिरेंगे पेड़, धरती फटेगी, नानी समा जाएगी। ऐसा करके खराटों भरी नींद दूर चली जाती। लेकिन नानी ने देखा सपने में कि नहर का पानी सूख गया है और नानी के लड़के लगा रहे हैं कहकर है। साथ में नानी की भी थी छाया प्रतिमा। नानी जल की अजस्त्र धारा की तरह उठी और देखते देखते फैल गई खेतों में। नानी के लड़के पेड़ की तरह किनारों पर अड़े, नाना पुल की तरह खड़े और नानी बहती रही सोन का कछार का कर्ज लिए नहर में। इस घटना का आजादी के आंदोलन में जिक्र न हुआ तो क्या हुआ? आज भी है, आज भी जीवित है नानी वाली नहर, नानी वाली नहर। अरुण सीतान साहब, आपकी कविता कविताओं में जो संसार दिखाई देता है वो हमारा गाँव में, कस्बों में, छोटे शहरों में जो बसे हुए लोग हैं, यहाँ जो एक विराट जीवन हलचल लेता हुआ निरंतर हमें अपनी ओर बुलाता है, और इसकी जो आहट है, आप अपनी कविताओं में इस आहट को, जीवन की सस्पंदन को समेटने वाले और बहुत वास्तविकता से उसको कविता की दुनिया में संवेदनाओं और अनुभूतियों की जमीन पर प्रकट करने वाले कवि हिंदी में माने जाते हैं, और यही आपकी कविताओं की सबसे बड़ी पहचान है। और मैं चाहता हूं कि आपने जो कविताएं सुनाई हैं वो कुछ इसी प्रकार के भावबोध की ये दोनों कविताएं रही हैं। कुछ अपनी और कविताओं को आप हमें सुनाएं ताकि हमें इस जीवन को और भी ज्यादा जानने और समझने का मौका मिले आपकी कविताओं के माध्यम से। एक किसी तरह की थोड़े अलग मिजाज की कविता है जिसका शीर्षक है बाबूजी। गांव में लोग बाबूजी बोलते हैं, तो उस शीर्षक नाम से है यह कविता। समकालीन कविता 2003 में पटना से छपी थी, विनय कुमार जी उसके संपादक हुआ करते थे। बाबूजी नाम से। किसी विज्ञापन के लिए नहीं आया था यहाँ, धकेल दिया गया था गले में हड्डी लटकाकर विष्णुपुरा से आ रहा। महासंयोग नहीं था, भगा दिया गया था मैं। किसी विज्ञापन के लिए नहीं आया था यहाँ, धकेल दिया गया था गले में हड्डी लटकाकर विष्णुपुरा से आ रहा। महासंयोग नहीं था, भगा दिया गया था मैं। बाबूजी आपकी याद बहुत आती है, बाबूजी आपकी याद बहुत आती है। जब एक कंधे पर मैं बैठता था और दूसरे कंधे पर कुदाल, पके हुए कीस को सहलाते हुए चला जाता था। खेतों की मेड़ पर गेहूं की बालियां लेती थी हिलोरें, थके हारे चेहरे पर तनिक भी नहीं था तनाव। नेकी चाची चटपट खाना निकाल जमीन को ओढ़ते हुए आंचल से सहला देती थी गाल। आज आप पांच लड़कों, पांच पोतों और दो पोतियों के बीच अकेले हैं। आज आप पांच लड़कों, पांच पोतों और दो पोतियों के बीच अकेले हैं। पता नहीं अब आप क्यों नहीं जाते खेत, पता नहीं अब आप क्यों नहीं जाते खेत, क्यों नहीं जाते बाबा की फुलवारी। सिर्फ ढहे हुए मकान में रहना चाहते हैं और गांव जाने पर काजू किशमिश खिलाना चाहते हैं। अब आप नहीं खिलाते बिस्किट जुलुम बाबा की दुकान वाले,
जो 10 बार गोदाम में या 20 बार गोयाम में हाथ डालकर एक दाना डल मूठ निकालते जैसे जादू। सुना है उस जादूगर की जमीन बिक गई, उनके लड़के धनबाद में बस गए, वहां आटा चक्की चलाते हैं। बाबूजी आपकी याद बहुत आती है, बाबूजी आपकी याद बहुत आती है, मधुश्रवा मलमास मेला की मिठाई और परासी बाजार का सुबह साल का कपड़ा, आपके झूलन भारती दोस्त, सब याद आते हैं, सिर्फ याद नहीं आती है अपने बचपन की मुस्कान, अपने बचपन की मुस्कान। एक कविता और देखिए आप जी। उदास रात, रात नाम से दो कविता है इस संग्रह में, तो ये माध्यम से सतप्रकाश मिश्र जी ने 2001 में प्रकाशित किया था, इसे आप देखिए। उदास रात की दादी की लोरी सरसों के फूल की तरह होती थी, दादी की लोरी सरसों के फूल की तरह होती थी। आज की रात कौन सुनाएगा लोरी, सो सकूं, यह रात नगर की रात है, यह रात नगर की रात है, होटल की रात है, दादी की गोद नहीं, बरसात का मौसम है, पांव में पंख नहीं लगे हैं, इसलिए जूते में लगे मिट्टी की सुगंध से आधी रात खुश रहा और आधी रात उदास आंख खोल सोता रहा। याद आती रही गांव के पूरब में ग्वाल मिट्टी, पश्चिम में बलुआही, उत्तर में ललके और दक्षिण में सब सब मिट्टियां, और हर मिट्टी के लोंदों से बनी मेरी दादी, और हर मिट्टी के लोंदों से बनी मेरी दादी। बहुत सुंदर अरुण सुतांस जी, आपने जो अपनी कविताएं सुनाई हैं, इन कविताओं में व्यक्ति का जो फलक है वह एक बहुत विराट संसार से हमारा परिचय कराता है, और आप अपनी इन कविताओं में निरंतर आज के समाज के संकट को और मन के विचलन को भी समेटकर जो अर्थ प्रकट करते हैं वह हमें संघर्ष की ओर उन्मुख करता है, और संघर्ष धर्मिता का यह भाव जो है वो आपके काव्य लेखन की सबसे प्रमुख विशेषता है, और आप आलोचना लेखन से भी जुड़े हुए साहित्य से भी हैं, आपने आलोचना लेखन भी किया है, तो अपने आलोचना लेखन के बारे में आप बताएं कि अपने आलोचना लेखन में आपने किन प्रसंगों को विषयों को उठाया है, यह सब जानकर हमें खुशी होगी। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। आलोचना की दो किताब मेरी है, तो उन किताबों में मैंने लगभग 8वीं दशक के जो कवि हैं और उसमें कुछ कथाकार भी आ गए हैं, कुछ कहानियों को लेकर के भी मैंने आलोचना लिखी, लेकिन थोड़ा सा लिखा, ज्यादा मैंने कविताओं पर लिखी, और 9वें दशक के कवियों पर और लगभग कविताओं को लेकर के छायावाद से लेकर अब तक के बारे में लिखा, क्योंकि तो कुछ प्रसंग ऐसे हैं, चूंकि इतने बड़े बड़े लोगों ने काम किया है, हमारा जो साहित्यिक धरोहर है, हमारी विरासत है, बहुत बड़ा है, और उस विरासत को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे आलोचकों की जरूरत है, ये एक आदमी का काम नहीं है, क्योंकि आलोचना लिखने के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, जब तक पढ़कर उसमें डूबेंगे नहीं, गोते नहीं लगाएंगे, तब तक उसमें से कुछ नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए सिर्फ उसमें केवल नकारात्मक बातें ही लिख देना अच्छी बात नहीं है, उसका विश्लेषण करना, उसका संश्लेषण करना और उसको सामाजिक संबंधों से जोड़ना, ये बहुत बड़ी जरूरत है उसकी। आलोचना में ये मैंने काम किया, मैंने कभी भी निकृष्ट ढंग से और सही तौर पर आलोचना को बर्दाश्त नहीं किया, इसीलिए मैंने चाहे वो संतोष चतुर्वेदी हो, भरत प्रसाद हो, या जितने बद्री नारायण हो, उपाध्याय हो, कुमार नयन हो,
जितने भी हमारे मेरे जानकारी में जितने जितने लोग रहे जिनकी कविताएं मुझे दिल को छूती रहे, उसको मैंने लिखने का कोशिश किया। ऐसे करने से थोड़े थोड़े करते करते एक आलोचना का एक अस्तबक बन गया, मतलब एक रूप बन गया, एक तरीका बन गया, एक कालखंड बन गया। कालखंड तो नहीं कहेंगे, मतलब एक किताब के रूप में धीरे धीरे वो तैयार हो गई, तो मैंने निकाला। अभी मैं सविता सिंह की कविताओं पर काम कर रहा हूँ और भरत प्रसाद की एक लंबी कविताओं की पुस्तकनामा ने छापी है, उस पर मैं काम कर रहा हूँ। तो इस तरह से आलोचना को लेकर के मैंने अभी क्रम को आगे बढ़ाया है। उसमें जो नई चीजें समाज में आई हैं उसका मैंने आख्यान प्रस्तुत किया है। अरुण सीतान साहब, आप वर्तमान दौर के जो नए लेखक हैं, आपने उनके काव्य कर्म, लेखन कर्म के बारे में लेखन किया है और बहुत समर्पित भाव से आपने उनके साहित्य का मूल्यांकन अपनी अपनी आलोचना लेखन में आपने किया है, प्रस्तुत किया है। इसके लिए आप निश्चित रूप से धन्यवाद के पात्र हैं। हम सब आपके आभारी हैं कि आज के दौर के जो लेखक हैं, जो कवि हैं, आपने अपने आलोचना लेखन में उनको स्थान प्राप्त जगह दी है और ये आपका एक बहुत बड़ा अवदान है वर्तमान आलोचना लेखन में। और जैसा कि आपने बताया कि आपने बहुत ही निष्पक्ष भाव से जिन लेखकों कवियों के साहित्य का विवेचन किया है, तो उनका चयन आपने बहुत ही निष्पक्ष भाव से, बेहद तटस्थता से आपने किया है। और इसी प्रसंग में मैं आपसे ये सवाल भी रख रहा हूँ आपके समक्ष कि आज आलोचना लेखन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें बहुत ज्यादा ये प्रतिबद्धता के साथ, इसमें वैचारिकता के स्तर पर पक्षपात वगैरह की बातें भी कही जा रही हैं और आलोचना जो है बहुत विश्वसनीयता, बहुत प्रामाणिकता से ये दूर होती जा रही है, ऐसा भी कहा जा रहा है। लेकिन फिर भी आलोचना का की अपनी जगह तो है ही और वो हमारे साहित्य की रचना धर्मिता को का मूल्यांकन भी प्रस्तुत कर रही है। लेकिन ये सब जो प्रश्न है इनके आसपास में हम लोग आपके विचारों को जानना चाहेंगे। देखिए, वर्तमान में तो जो नामवर सिंह के बाद जो आलोचना का काम जो है वो बहुत धीमा हो गया। मैनेजर पांडे ने कुछ काम किया था और अभी वो कर ही रहे थे समाज शास्त्र को लेकर के, साहित्य का समाज शास्त्र, तो उस क्रम को आगे बढ़ाने के लिए उसमें एक नाम मैं लेना चाहूंगा, अजय तिवारी का। उन्होंने निष्पक्ष ढंग से काम किया, हालांकि उनका नागार्जुन पर ज्यादा काम हुआ, केदारनाथ अग्रवाल पर काम हुआ अजय तिवारी का, लेकिन अजय तिवारी ने ठिकाने नहीं रखा है और मैं उनके बायस्ड होकर के या उनको पक्ष में बातें नहीं कर रहा हूँ। अगर वो आदमी रचा है तो उसकी चर्चा होनी चाहिए। आज की आलोचना जो हमारी पीढ़ी है या नवदशा की पीढ़ी है उसको लेकर के अभी आलोचना करना बाकी रह गया है। नित्यानंद तिवारी जी बहुत बढ़िया आलोचना करते हैं और वो भी बहुत स्लो लिखते हैं। इधर तो मैंने कहीं नहीं देखा था, वो पिछले दिनों देखा था। आलोचना में जो काम करने की जरूरत है वो कोई ठेका नहीं ले रखा है, इसकी असलियत ये है। हर पीढ़ी को अपनी अपना एक आलोचक ढूंढना पड़ेगा और ढूंढना क्या पड़ेगा, उसमें लिखना पड़ेगा और ऐसा हुआ है, लोगों ने लिखा है उसमें। अब आप नाम लीजिए, आठवें दशक में आलोचना बढ़िया लिखे हैं विजय कुमार, मुंबई में रहते हैं, एक अच्छे कवि हैं, आलोचक भी बहुत अच्छे हैं, उसकी उनकी आलोचना मुझे अच्छी लगती है। लेकिन कई जगह पर मेरा मतभेद भी होता है, मनभेद नहीं होता है। तो वो क्रम को अगर आठवें दशक को नवे दशक से कोरिलेट करते या अभी की जो पीढ़ी है सदी के 21वीं सदी के पहले दशक के जो कवि हैं उसका जो अगर वो टच करते और व्यापक उसका फलक होता, उसका विस्तार होता, तो चूंकि आलोचना क्या है, एक रबड़ की तरह है, वो फैलता जाता है, तो यहाँ से आकर के फैला नहीं है, रुका हुआ है। तो जो अभी आलोचना में सिर्फ आलोचना में काम कर रहे हैं वो तो आलोचना उन्हें करना चाहिए, क्योंकि हमारा काम, मैं अपना व्यक्तिगत तौर पर मैं तो कविता लिखता हूँ और थोड़ी आलोचना में कर लेता हूँ, लिखता हूँ, कोशिश करता हूँ लिखूं, लेकिन अब हमने भी सभी का वो नहीं कर सकता,
क्योंकि हमारे भी एक समय सीमा है, सब कुछ सीमित है। ऐसा नहीं है कि मैं लिखना चाहता हूँ, लेकिन हर के पास समय की कमी है, तो जितना समय है उसका मैं भरपूर सहयोग करता हूँ और लिखता भी हूँ, बोलता भी हूँ, सोशल मीडिया पर भी रखने की कोशिश करता हूँ, ये इंटरव्यू या कविता पाठ को लेकर के रहता हूँ। लेकिन जो हमारे बाद की जो पीढ़ी है, एक दो जैसे अविनाश मिश्र मेरे बाद की पीढ़ी का वो लड़का है, वो अच्छे कवि हैं, आलोचना उनकी भाषा बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छा लिखते हैं, उन्हें खूब लिखना चाहिए, ये मैं सलाह दे रहा हूँ, वो आदेश नहीं दे रहा हूँ। लेकिन हमारी पीढ़ी में ही आप देखिए भरत जी हैं, और बहादुर पटेल बहुत अच्छा लिखते हैं, वो अभी नहीं लिख पा रहे हैं, सबकी अपनी मैंने बताया कि सीमा है, तो वो लिखना चाहिए। हमने एक मानक गढ़ दिया, एक स्टैंडर्डाइजेशन कर दिया स्टैंडर्ड कि हाँ ये स्तर है, एक लेवल है उसका, यही तक एक रेखा खींच दी, लाइन खींच दी कि नामवर सिंह के बाद कौन। मैंने पूछा था भगवत रावत से और चंद्रकांत देवताले से, दो बड़े साहित्यकार से, उन लोगों ने स्पष्ट जवाब नहीं दिया, चूंकि रिस्क था उनको बोलने में कि आखिर कौन लोग लिखेंगे भाई, नंद दुलारे वाजपेयी अब नहीं है, अच्छा नंद दुलारे वाजपेयी ने बहुत बढ़िया आलोचना लिखी, रामचंद्र शुक्ल नया बनना पड़ेगा ना लिखने के लिए, उस समय को उन्होंने लिख दिया हिंदी साहित्य का इतिहास, आज समकालीन कविता का इतिहास, अरुण कमल ने आलोचना लिखी है बहुत सारे, आलोचना लेखन में नंद किशोर नवल जी ने भी अपना योगदान दिया, और बिहार में पटना यूनिवर्सिटी में प्राध्यापन करते हुए उन्होंने बातें उन्होंने इंटरव्यू में कह दी अपनी चर्चा में बने रहने के लिए, या कुछ विवादास्पद ढंग से किया, उनका लेखन में मेरा कोई मैं प्रश्न नहीं खड़ा कर रहा हूँ, लेकिन अब नंद किशोर नवल नहीं है तो दूसरा नंद किशोर नवल क्रम को आगे बढ़ाने के लिए आदमी चाहिए, उनके जो शिष्य हैं चिले चपाटी हैं या उनके अनुयायी हैं या उनके जो हर कोई का गॉड फादर होता है। बिल्कुल, मैं वही उसी बात को मैं कहना चाह रहा था कि नवल जी के बाद फिर पटना में साहित्य चिंतक के रूप में अब कोई दूसरा व्यक्तित्व वहाँ उपस्थित नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन नंद किशोर नवल साहब जब वहाँ पर थे तो फिर तो बिल्कुल एक अलग माहौल लिखते हैं। जी हाँ, तरुण कुमार जी का भी नाम महत्वपूर्ण है, अध्यापक लोग बहुत लोग ऐसे हैं जिनको कह के लिखवाना पड़ता है कि आप लिखिए, हमको सविता सिंह ने नहीं कहा कि आप लिखिए, मैं अपने ही से मांगा कि किताब भेजिए मैं पढ़ना चाहता हूँ। स्त्री की नींद से लंबी रात, नींद से लंबी रात, ये सविता जी का जो काव्य संग्रह है इसको मैंने भी पढ़ा है, और उनके बारे में लिखा जाना चाहिए, सविता जी के बारे में, उनके पति पंकज सिंह जी भी बहुत अच्छे कवि थे, और पंकज जी के बारे में भी लिखा जाना चाहिए, पंकज जी की का साहित्य भी उपेक्षित साहित्य है, वह साहित्य बहुत पढ़ा गया, पंकज सिंह लोकप्रिय कवि में थे, लेकिन उनके साहित्य के बारे में कहाँ अभी तक कोई बढ़िया किताब सामने आई है। वो सब काम साहित्य अकेडमी को भी करना चाहिए कि आज के दौर के जो कुछ बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं उनके बारे में मोनोग्राफ वगैरह को वो लिखवाए, पंकज सिंह वर्तमान दौर के महत्वपूर्ण कवियों में है, और समय ही गुजर भी गए, तो सविता जी के बारे में आप लिख रहे हैं तो बहुत बड़े जिम्मेवारी का आप निर्वहन कर रहे हैं, और वही जिम्मेवारी पंकज सिंह जी के प्रति भी होनी चाहिए सबके मन में। मैं पंकज सिंह जी से मैं मिला था उनके घर पर, सविता जी से भी मेरी मुलाकात हुई थी, तो बहुत अच्छा लगा अरुण सितान साहब, बेहद आत्मीय माहौल में आज आपसे बातचीत हुई है, और कार्यक्रम समाप्त होने से पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप अपनी कुछ और कविताएं हमें सुनाएं, एक दो कविताएं और सुनाएं, ताकि कार्यक्रम का एक काव्यात्मक माहौल में समापन हो। मैं ये कहना चाहता था आलोचना में कि अगर आलोचना लोग नहीं लिख रहे हैं तो कम से कम उसका लोग पाठ कर रहे हैं, बहुत लोग कविता पाठ करने नहीं आता। इलाहाबाद में अजामिल सर है, अभी आए थे कुछ कमेंट के साथ उन्होंने, अभी मंच पर, इस मंच पर अजामिल सर का कविता का पाठ बहुत उम्दा होता है और बेहतरीन होता है। धन्यवाद अजामिल सर, अच्छा लग रहा है आपको सुनना, उन्होंने लिखा है तो अजामिल सर का कविता का पाठ इतना उम्दा होता है लगता है कि क्या मतलब है कि सुनते ही रहे।
इस तरह का। सभी सारे कविगण जो है अपनी कविताओं को का पाठ जब करते हैं तो अपने ढंग से उसकी वो प्रस्तुति करते हैं। मुझे याद आ रहा है, मैं जिसे जब मैं मिला था तो मैंने पटना में उनको क्या कहा कि सर आप रिकॉर्डर में लाया हूँ, आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ, अपनी केवलधार कविता आप रिकॉर्ड करा दें। तो बार बार अभी भी मैं सुनता हूँ उनकी आवाज में उनकी वो कविता। तो अपने अपने ढंग से सभी कवि जो है अपनी संवेदनाओं को सब ये ध्वनि में वो समेटते हैं और सबका काव्य प्रभावी बने प्रस्तुति में। ये मेरी भी कामना है, आपकी भी ये कामना है और बहुत अच्छी कामना है। तो सितान साहब आप अपनी कोई कविता सुनाए, हम लोग उत्सुक हैं कि आपकी कविता सुनने का मौका मिले। एक कविता है नया ज्ञानोदय के प्रेम महाविशेषांक निकला था 2000। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं उस वक्त मैं ज्ञानपीठ में काम करता था, कुणाल सिंह अच्छा। वगैरह थे वहाँ उस वक्त, तो मैं वहाँ प्रकाशन सहायक के तौर पर मैं कार्यरत था। तो हम लोगों ने अच्छा। उस अंक को निकाला था बहुत उत्साह से, कई अंक निकले थे प्रेम महाविशेषांक के। तो उसमें एक कविता छपी थी शायद, जी उसका चयन हाँ, मैंने मेरी पढ़ी हुई कविता ही होगी, याद नहीं आ रही है क्योंकि मैं तो देखता था सब अंकों को, है ना, उसकी कॉपी वगैरह मैं तैयार करता था। दिलीप कुमार शुक्ल ने शायद चयन किया था, लेकिन उनका नाम नहीं था उसमें। लेकिन उसमें जो कविता का शीर्षक है वो है प्यार की कच्ची उम्र। जी प्यार की कच्ची उम्र, तुम्हारा नाम मेरे कुर्ते के पॉकेट पर, अब जा उड़ा धोते वक्त असम में। तुम्हारा नाम मेरे कुर्ते के पॉकेट पर, अब जा उड़ा धोते वक्त असम में। उस कुर्ते के रंग भीग भीग कर लटपटा गए कई कई कुर्तों में। संभाल रखा हूं तकिए के नीचे, कच्ची उम्र के भाषणों में। तू रोती थी सामने पहली बेंच पर संत बराहना कॉलेज में, तुम्हारा नाम लेने में अपना भाषण भूल बैठता। तू गुस्साती मुस्काती बताती चली गई एक पियो लड़के के पास, जिसने बांध रखा है नई दीवारों के बीच। मेरा रंग रंग बिरंगा होते होते एक नाम लिख रहा है अपनी चमक के साथ, जिसकी परछाई मेरे पीठ पर हौले से पड़ रही है। सन 1991 से पहले जिस लाजवाब वादों के साथ मिले, उसकी याद तुम्हारे जाते वक्त आरा प्लेटफॉर्म पर और वीर कुंवर सिंह पार्क में लपटा गया। आज यह रंग ज्यो का त्यो है, आज यह रंग ज्यो का त्यो है, तुम्हारे पसीने के गंध और हाँफ की आवाज के साथ। एक फूल उदास है दूसरे फूल के बिना, एक फूल उदास है दूसरे फूल के बिना। ये नया गुण ज्ञान उदय में छपा। बिल्कुल अरुण सितान साहब, प्रेम का जो रंग है वो बहुत सहज होता है और प्रेम को अनस्वर भी माना गया है और कहा गया है कि प्रेम जो है वह निरंतर हमारी आत्मा में मौजूद रहता है और हम प्रेम के सहारे ही कविता को रच रहे हैं। आप अपनी कविताओं में समाज के लिए, मनुष्य के लिए, सबके लिए कवि के रूप में प्रेम के भाव को निरंतर रचते रहें, गढ़ते रहें और आपकी कविता जो है वो अपनी पहचान कायम कर चुकी है हिंदी में, या और पल्लवित हो आपकी काव्य साधना और समृद्ध यस प्रतिष्ठा आप प्राप्त करें हिंदी में। इस कामना के साथ कार्यक्रम का समय पूरा होने की वजह से मैं आपसे अनुमति लेना चाहूंगा। धन्यवाद। शुक्रिया राजीव जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया।